सबके लिए राज्य सरकार द्वारा सारा विश्व करवाने दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ जाने वाले जा सकते हैं, जो जाना चाहे वो चले जाए, मन मत करना जाने वाले जाए। चल वापस चल सर, मैं तो मंडी का ही हूँ। तो बात चाचा 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 थोड़ा सरकार की तरफ से 31 मार्च तक का लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन के साथ साथ धारा 144 भी लगी हुई है तथा कोरोना वायरस जो है ज़्यादा भीड़ होने से फैलने की संभावना इसकी ज़्यादा रहती है। इस तथ्य को देखते हुए पुलिस जाब्ता यहाँ लगाया गया है तथा हमारा प्रयास ये नहीं है कि सब्जी मंडी को हम बंद करें, हमारा ये प्रयास है कि एक समय में बहुत ज़्यादा लोग सब्जी मंडी में नहीं आए तथा मेरा ये भी कहना है कि जैसी सब्जी मंडी, दवाइयों की दुकान, एटीएम वगैरह और भी जो ज़रूरी पेट्रोल पंप वगैरह है वो सरकार ने खुले रखे हैं और पुलिस प्रशासन का उसमें पूर्ण सहयोग रहेगा। किसी भी नागरिक को किसी तरह की कोई परेशानी हो तो कभी भी पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे भीड़ नहीं करेंगे, बस मेन उद्देश्य हमारा यही है कि एक स्थान पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो, क्योंकि वायरस जो है वो जहाँ भीड़ होती है वहाँ भीड़ के माध्यम से ही ज़्यादा फैलता है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आँख, नाक और मुँह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।